मैं सिर्फ एक अगर आधा गुलाब जामुन दूंगी उसको मैं इतना सारा चीज यूट्यूब के सबसे खूबसूरत और आइडियल कपल का अचानक से तलाक हो जाए तो हर कोई सदमे में आ जाता है। और कुछ ऐसा ही हिमांशी और ऋषि ने अपने सेपरेशन की बात बताकर सबको सदमे में डाल दिया, क्योंकि इनके ब्लॉग जब भी लोग देखते थे तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, चाहे वो इनकी बॉन्डिंग हो या हो इनकी फैमिली। लोग इनके ब्लॉग्स देखकर ऐसी परफेक्ट लाइफ की ड्रीम करते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ एक महीने में इस परफेक्ट कपल के बीच की बात डाइवोर्स तक आ पहुंची। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो तो किया ही, साथ ही साथ अपने साथ की सारी फोटोज़ भी डिलीट कर दी। ऐसा आखिर क्या हुआ, आज मैं आपको बताऊंगी इनके डाइवोर्स के पीछे का असली सच। ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो चलिए कहानी थोड़ी शुरू से जानते हैं। ऋषि आठवानी लखनऊ के मशहूर गारमेंट स्टोर प्रगति के ओनर इंदर आठवानी के बेटे हैं और इस टाइम 30 साल के हैं। जब ऋषि ने हिमांशी से शादी नहीं की थी तब वो अपने पापा के साथ उनके गारमेंट स्टोर में बैठा करते थे। ऋषि की फैमिली में इनकी मम्मी, पापा और इनकी बहन है। बहन भी ब्लॉगर हैं जिनका नाम निशि आठवानी है। ऋषि और हिमांशी की शादी लव थी या अरेंज, इसको जानने से पहले चलिए आप सबकी फेवरेट ग्लैम गर्ल हिमांशी तेकवानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमांशी जयपुर से बिलोंग करती हैं। इनके पापा का शूज़ का होलसेल बिजनेस है। हिमांशी इस टाइम 27 साल की हैं और इनकी बहुत ही खूबसूरत ज्वाइंट फैमिली है। लेकिन अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में मम्मी, पापा, इनकी छोटी बहन करीना और ये हैं। हिमांशी ने 2016 में दैट ग्लैम गर्ल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल खोला, जिसमें वो ब्यूटी हैक और मेकअप की वीडियोज़ डालने लगी। हिमांशी की वीडियोज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। इन्होंने बहुत जल्दी यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया। अगर हम ये कहें कि हिमांशी शादी के पहले काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर थी तो गलत नहीं होगा। तो चलिए हिमांशी और ऋषि की शादी की बात करते हैं। 2019 की शुरुआत में हिमांशी और ऋषि एक वेडिंग सेरेमनी में गए थे। वहीं ऋषि ने हिमांशी को देखा था। पहली नज़र में हिमांशी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। फिर ऋषि ने हिमांशी को फेसबुक पर कॉन्टैक्ट किया। इन लोगों की थोड़ी बात हुई, फिर इंस्टाग्राम पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे। काफ़ी ज़्यादा बात करने के बाद इन दोनों ने मिलने का फैसला लिया। ऋषि को हिमांशी पहले से पसंद थी, लेकिन हिमांशी जब ऋषि से मिली तो ऋषि भी हिमांशी को पसंद आए। इन लोगों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। डेट करने के कुछ महीने बाद ही इन्होंने शादी का फैसला लिया। जब इन्होंने शादी का फैसला लिया तो दोनों ने अपनी फैमिली में बताया। इनकी फैमिली आसानी से मान गई। अक्टूबर 2019 में इन दोनों ने शादी कर ली। अगर इस शादी को हम लव कम अरेंज कहें तो गलत नहीं होगा। शादी होते ही हिमांशी ने मेकअप और ब्यूटी के वीडियो से अचानक से ब्लॉगिंग में स्विच कर लिया। ऋषि भी इनके साथ काम करने लगे और इनकी ऑडियंस ने इनके ब्लॉग्स को खुले दिल से एक्सेप्ट किया। लेकिन ये ब्लॉगिंग वीडियोस ही इनके सेपरेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है, इन्हें नहीं पता था। वो कैसे मैं आगे बताऊँगी। धीरे धीरे लोग इनकी ब्लॉगिंग की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। हिमांशी की बॉन्डिंग ऋषि और उनकी फैमिली के साथ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। इनका ब्लॉग बहुत हैप्पीनेस से भरा रहता था। हिमांशी और ऋषि एक आइडियल कपल के रूप में जाने जाते थे और इनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली। 4 साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन अप्रैल 2023 में इनके ब्लॉग आना अचानक से बंद हो गया, जो कि इनके व्यूवर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लोगों को ये लग रहा था कि शायद इनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, जिसके कारण ये यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन अचानक से ऋषि ने बिंग ऋषि करके अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, जहां पर ये टाइटल के साथ कुछ ऐसी वीडियोस डालने लगी जो लोगों को धीरे धीरे चौंका रही थी। फिर इन्होंने द ट्रूथ करके एक वीडियो डाला, जहाँ पर इन्होंने हिमांशी और अपने रिश्ते को साफ साफ क्लियर किया। हम लोग के जो पर्सनल एम्स गोल्स थे वो थोड़े कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे थे लाइफ को लेकर, कि मैं और हिमांशी सेपरेट हो रहे हैं। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये बिल्कुल ट्रूथ है। कुछ महीनों से हमारी हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी,
हमारे पर्सनल गोल और एम्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से आगे चलकर लॉन्ग टर्म में हम दोनों के बीच बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि हम दोनों ही अपने डिसीजन पर अड़े थे। तो हम लोग ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन का ही फैसला लिया, जिसके बाद लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। उनको लगा कि आखिर इस आइडियल कपल के बीच में एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि बात सेपरेशन तक पहुंच उठी। उन्होंने हिमांशी से भी जवाब मांगना शुरू कर दिया। हिमांशी ने भी अपने चैनल पर उन्होंने एक प्लीज गाइस कर छोटी सी वीडियो अपलोड की, जहां पर उन्होंने सेपरेशन की बात को कन्फर्म किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि ये फैसला कोई भी जल्दबाजी या ईगो में नहीं लिया गया है, फन में करी गई और एकदम मतलब ईगो में करी गई, ये वाली कोई बात नहीं है। सिचुएशंस वर्स से वर्स हो जाती हैं, उसके बाद में ऐसा स्टेप लेना होता है, और रीजंस हैं खूब सारे रीजंस। जब सिचुएशन वर्स से वर्स्ट हो जाती है तब ऐसा फैसला लेना होता है, और एक रीजन नहीं बहुत रीजन है इस फैसले के पीछे। उसके साथ ही साथ उन्होंने एक कमेंट किया जो आपको बहुत सी बातें क्लियर कर देंगी। आइए पढ़ते हैं। What we show on camera is not always the reality. अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम लोग बिहाइंड द कैमरा की प्रॉब्लम्स दिखाने लग जाए या फिर कितने पेंस हैं रिलेशनशिप में ये सब दिखाने लग जाए तो ये एक तमाशा बनने वाली बात होती है। इसलिए कैमरा में हर चीज़ परफेक्ट दिखाई जाती है, वो रियलिटी में वैसे बिल्कुल भी नहीं होती है। हिमांशी के इस कमेंट से बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम कुछ महीनों की नहीं थी बल्कि कुछ साल की थी, जो चली आ रही थी और चलते चलते एक बड़ा रूप ले ली, जिसकी वजह से हिमांशी और ऋषि ने ये फैसला लिया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हिमांशी और ऋषि ने एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत मैच्योर तरीके से इस फैसले को लिया और अपने ऑडियंस को इस बात को बताया। हिमांशी ने अपने चैनल का नाम दैट ग्लैम कपल से ग्लैम गर्ल कर दिया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्लॉगिंग इनके सेपरेशन का एक बहुत बड़ा कारण कैसे बना, आइए जानते हैं। देखिए, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो 24 घंटे कैमरे में कंटेंट क्रिएट करने का एक प्रेशर रहता है। घर हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, लेकिन वही घर हमारा वर्क प्लेस बन जाए तो कैसा रहेगा। और इन लोगों की शादी ऐसा नहीं था कि प्योर लव मैरिज थी, बहुत साल का रिलेशनशिप था उसके बाद इन्होंने शादी की, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ महीने डेट करने के बाद इन्होंने शादी का फैसला लिया। जिस फेज में ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते समझते उसी फेज में इन लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इनका हर लाइफ का मोमेंट एक कंटेंट बनता जा रहा था और ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से छोटी छोटी आर्गुमेंट्स होना स्टार्ट हो गई होगी। ऋषि कुछ कहता होगा, हिमांशी कुछ कहती होगी, दोनों की बातें बहुत क्लैश कर जाती होंगी और ये छोटी छोटी आर्गुमेंट एक बहुत बड़ा झगड़े का रूप ले लेता होगा और बात यहाँ तक पहुँच उठी। ये कोई एक दो महीने की बात नहीं होगी, ये बातें कुछ सालों से चली आ रही होगी, जिसके बाद इन दोनों ने बहुत मैच्योर तरीके से अलग होने का फैसला लिया। बाकी मुझे तो यही लगता है, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इन दोनों का सेपरेशन का क्या मामला रहा होगा। बाकी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को कभी भी सोशल मीडिया से कंपेयर ना करिए कि उसका लाइफ पार्टनर ऐसा करता है तो मेरा भी लाइफ पार्टनर ऐसा करेगा, उसकी फैमिली ऐसी है तो मेरी भी फैमिली ऐसी हो जाए, क्योंकि चीज़ें जो कैमरे में दिखाई जाती हैं बिहाइंड द कैमरा चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि ऋषि और हिमांशी अपने लाइफ में बहुत खुश रहें और भगवान इनकी हेल्प करे इनकी बेहतर फैसला लेने के लिए। आपको भी आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रियल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।